हॉलीवुड मूवीज के साथ क्या दिक्कत है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा हॉलीवुड मूवी सबसे पहले ओटीटी पर रिलीज होती है, भले बॉलीवुड की मूवी रिलीज हो या ना हो। आपको पता होगा ओपनहाइमर नाम की एक मूवी आई थी जिन्होंने दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है, और इस मूवी को अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया। मूवी हिंदी डब में भी रिलीज हुई थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी रिलीज डेट के बारे में कि मूवी आपको कब तक देखने को मिलेंगी और अभी तक क्यों रिलीज नहीं हुई है हिंदी डब के बारे में भी। तो जानने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कर दो, अपनी इच्छा से सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर आपको अपडेट्स पसंद है ओटीटी की या फिर मूवीज़ और सीरीज़ की रिलीज डेट की, बाकी आपके ऊपर है। बात करें दोस्तों इस मूवी को लेकर, तो मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट रही, लगभग दोस्तों $1 बिलियन के मतलब करीब करीब इसने कलेक्शन किया। इंडिया में भी बहुत बड़ा कलेक्शन इस मूवी ने किया है। हिंदी डब ऑडियंस मतलब ऐसी मूवीज़ को पसंद करती है। मूवी में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी दिखाई गई है, लेकिन फिर भी भाई किसी ने माइंड नहीं किया, जमकर एंजॉय किया। बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो सबसे पहले ये मूवी जो है वीओडी प्लेटफॉर्म वीडियो ऑन डिमांड पर रिलीज होगी रेंटल बेसिस में, वो आपको अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ बुक माई शो और भी कई प्लेटफॉर्म पर रेंटल में देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंटल पेंटल से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में सब लोग इतने ज़्यादा जुगाड़ू है, उन्हें पता है कि भाई रेंटल वेंटल का कुछ काम नहीं है, उन्हें कहाँ से जुगाड़ करना है वो कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीओडी पर रिलीज़ हो जाए। तो इसकी जो वीओडी रिलीज है ना, इसके मेकर्स ने बहुत लंबी प्लान की हुई है, उन्हें शायद इस बात में विश्वास था कि हमारी मूवी थिएटर में काफ़ी समय तक चलने वाली है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मूवी को आने में लंबा समय लगेगा। और लेटेस्ट अपडेट जितनी भी मैंने निकाली है उसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि इस मूवी को नवंबर के मंथ में रिलीज किया जाएगा, वो भी लास्ट वीक में, लेट नवंबर यानी कि लास्ट वीक आखिरी हफ्ते में नवंबर के वहाँ पर ये मूवी आपको वीओडी पर देखने को मिलेंगी। चांसेस है कि उस टाइम पर हिंदी डब में भी आ जाए, फिलहाल यही अपडेट आप पकड़ कर चलिए, उससे पहले ये मूवी नहीं आने वाली, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने ये चीज़ बताई है। क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, देखने की इच्छा है या फिर नहीं, कमेंट में बताओ, लाइक कर दो। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।